अगली हदीस है ये दो हजरत सालम बिन अब्दुल्ला अपने वालिद से रिवायत करते हैं वो बयान करते हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का जाते हुए झुलहलीफ़ा के नशेब में रात के हिस्से में ठहरे तो आपको ख्वाब में बताया गया कि आप मुबारक वादी में हैं मूसा बिन अकबा ने बयान किया कि सालम ने भी हमारे साथ वहीं ऊँट बिठाया जहाँ हजरत इबन उमर रदी अल्लाह तहमा बिठाते थे वो उस जगह को तलाश कर रहे थे जिस जगह रात के आखिरी हिस्से में रसम सल्हल् ने क़याम किया था ये जगह वाति वादी अतीक़ की मस्जिद के नशेबी हिस्से में है और वादी अकीक और रास्ते के दरमियान में तो ये मैंने पिछली दफ़ा भी इसकी थोड़ी सी वजाहत की थी कि रहमत कौन सली व्म जब कभी कर सफ़र करते तो आप तो चूँकि अल्लाह के नबी थे इल्हाम होते थे आपको या किसी और ज़रिए से किसी फ़रिश्ते के ज़रिए कोई जगह बताई जाए बताई गई या गैबी आवाज़ आपको आई कि ये जगह मुतर्रक है यहाँ पर आप नमाज पढ़ें और ये पॉसिबल है कि पहले दौर में अम्बिया आलैम में से कोई वहाँ गुजरे हों और उस जगह नमाज़ अदा फरमाई होल्ला ताली की इबादत की हो तो वह जगह मुतर्रक हो गई रहमत कौन सल्ला वसम ने उस मुक़दस वादी में नमाज़ अदा की और ठहरे हज़रत इबिनुम रदी अल्लाह तालमां की आदत थी आपने इस चीज़ को गोया कि अपने ऊपर एक लाजिम कर लिया था कि जहाँ आपको पता चलता कि रहमत कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मकाम पर ठहरे हैं तो आप उस मकाम तक पहुँचते वहाँ मालूम करते कि सरकार ने कहाँ नमाज अदा की है उसी मकाम पर नमाज़ अदा करते और जहाँ रहमत कौन सली वम ने अपना ऊँट बाँधा है सरकार ने वहीं आपने वहीं पर अपने ऊँट को बांधा इसी तरह जिस तरफ़ के सरकार का आराम फरमाना साबित हुआ हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह तालमा उसी मकाम पर आराम किया करते थे इससे मालूम हुआ कि जिस जगह अल्लाह के नेक बंदों के कदम पड़ जाएँ वहाँ वो आराम कर लें उनका जिस्म मस्त हो जाए वो इबादत अदा करें वो दुनिया के या ज़मीन के दीगर हिस्सों से मुमताज़ हो जाता है और वहाँ ख़ास तौर पर जाकर उससे इकतिस फ़ैज़ की नीयत से इकतब बरकत की नीयत से इबादत इख्तियार करना या वहाँ पर थोड़ा सा वक्त गुजारना ये बहुत ही सादत की बात है और सबके के राम अल मुरदवान का तरीक़ा रहा है चुनाचे लोग जाते हैं ग़ार सौर में ठहरते हैं ग़ार हीरा तक जाते हैं क्योंकि वहाँ रहमत कौन सल व् नेयाम फरमाया था वहाँ पर आप ठहरे थे इसी तरीक़े से हराम शरीफान में जाके जब मालूम करते हैं पुराने लोग बताते हैं इस बाग में सरकार आए या इस कुएँ से पानी पिया तो मुसलमान इसीलिए उसी मकाम पर जाते हैं इबादत करते हैं और उस मकाम से फैज़ हासिल करने की कोशिश करते हैं ताकि शहब के राम अल मदवान की सुन्नत अदा करने का मौका मिले अब हमारे यहाँ बातम हम ये समझते हैं कि शायद ये शर्ी तौर पर सही नहीं है या पंद्रवीं सदी हिजरी के लोगों ने इस बिदत को ईजाद कर लिया है मादल ऐसी बात नहीं है ये देखें बुखारी की हदीस है जो हजरत बुखारी को दलील मानते हैं वो इसको देख सकते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी मकाम पर अब जहाँ सरकार थोड़ी देर ठहरे वो मक़ाम मतबर्रक और जहाँ मेरे आका आराम फरमा रहे वो कितना बरकत वाला होगा ऐसे ही अल्लाह ताला के नेक बंदे जहाँ मदफून होते हैं वहाँ बहुत बरक़ात होती हैं कि आर्जी तौर पर जिसम मस कर जाए तो जगह बायस से बरकत हो जाए तो जहाँ दायमी तौर पर मत के लिए उठने तक आखिरी आराम गाह में तश्ीफ फरमा है वो कितनी बरकत वाली होगी और वहाँ पर कितनी अल्लाह ताला की रहमतों का नज़ूल हो रहा होगा इसीलिए अह सुन्नत की एक बड़ी तादाद है मुसलमानों की कि जो मज़ारात पे जाते हैं वहाँ पे ठहरते हैं अदब एहतराम से दुआ मांगते हैं और अल्लाह ताली की रहमतें हासिल करने की कोशिश करते हैं खुराफात की कोई तायद नहीं करेगा बल्कि उसका इनकार करेंगे बल्कि उसकी मजम्मत की जाएगी लेकिन अगर कोई अदब के साथ ऐसे मकाम पर जाए तो बगैर किसी शरा दलील के इस चीज़ को ग़लत करार देना या फिर इसको मतलब रोकने की कोशिश करना ये खतन गैर मुनासिब होती है इस पर सबको तोज्जो करनी चाहिए